रायबरेली में भू माफियाओं को कानून का खौफ नहीं है। आपको बता दें कि लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर बेशकीमती करोड़ों की जमीन पर सदर विधायक आदित्य सिंह की दबंगई देखने को मिली है। विधायक ने स्वेश रेस्टोरेंट के पास बैठकर जमीन पर कब्जा कराया। वहीं सत्ता पक्ष के दबाव में जिला प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ है। इस घटना से नाराज विपक्षी महिलाओं ने सदर विधायक से अभद्रता की। तो रायबरेली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेखौफ हुए हैं भू माफियाओं में किसी प्रकार का कोई डर यहां पर कह सकते हैं प्रशासन का नहीं है, क्योंकि प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ बैठा है। सदर विधायक की दबंगई जो है सामने आई है, लेकिन अब जिस प्रकार से सवाल खड़े हो रहे हैं, आम जनता काफ़ी परेशान हो गई है, क्योंकि जो है भू माफियाओं में कोई खौफ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। प्रशासन भी मौन बना हुआ है, जिसको लेकर अब जनता ने आवाज़ उठाई है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रफीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रफीक, सदर विधायक जो हैं अब उन पर जो तरीके के आरोप लग रहे हैं, एक तरीके से उन्होंने ज़मीन पर कब्जा किया, कहीं ना कहीं कह सकते हैं भू माफियाओं में प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। वहीं प्रशासन की भी बात कर ली जाए तो प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ बैठा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है। क्या कुछ जानकारी? जी पूनम जी, मैं आपको बताता चलूं कि ये लखनऊ प्रयागराज हाईवे NH पे जो है, ये बहुत ही करोड़ों की कीमती जमीन है जो काफी समय से पड़ी हुई थी, और उसी के बाजू में एक नजूल लैंड है, और ये जो ऑनर थे वो उनको रोक रहे थे, चिल्ला रहे थे, तमाम तरह की विनतियां कर रहे थे। प्रशासन खड़ा था और खुद सदर विधायक आदित्य सिंह वहां पर खड़े होकर के अपने गुर्गों के दम पे और प्रशासन के दम पर उनको जो है बाहर खदेड़ करके खुद वहां पर कब्जेदारी करवाई। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये योगी सरकार जिस तरीके से कहती है जीरो क्राइम को लेकर के और अवैध कब्जेदारों भू माफियाओं के खिलाफ सख्त है, उनके सुशासन पे एक तमाचा है कि जो सबका साथ सबका विकास करते, यहाँ तो सत्ता पक्ष के लोग ही जो अपने लोग हैं उन्हीं को जो है दबा करके उन्हीं की जमीनों पे कैसे कब्जा करा रहे हैं, और प्रशासन बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कुछ करना ही नहीं चाह रहा, डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रहा है, बल्कि वो जो पीड़ित है उन्हीं को धमकाया जा रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ बैठा है, लेकिन जिस प्रकार से अब ये पूरी दबंगई उजागर हो गई है, प्रशासन का चेहरा भी सामने आया, किस प्रकार से जो है प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे, लेकिन अब ये पूरा मामला उजागर होने के बाद क्या लगता है, कोई जो है कदम उठाया जाएगा इस चीज को लेकर भू माफियाओं के खिलाफ? हालांकि कहा जाता है कि योगी सरकार सख्त है, लेकिन अब ये सख्ती क्या यहाँ पर दिखाई देगी? जी मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अभी दो दिन पहले सोमो ढाबा को गिराया गया था, और उसके साथ साथ जो है उस वहां पे एक बहाना कि ये तालाब की जमीन है और साथ में नक्शा नहीं है, इसको लेकर के जिस तरीके से प्रशासन ने सक्रियता दिखाई थी उसको लेकर के, और कहीं ना कहीं जो है प्रशासन और जिस तरीके से आज अवैध कब्जा हुआ उसको लेकर के एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है प्रशासन और सत्ता दोनों पर। बिल्कुल, सवालिया निशान खड़ा होना भी लाजमी है जब इस तरीके की तस्वीर सामने निकल कर आती है। बहरहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।